ये कविता मशहूर कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। इस कविता को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है, कभी सांसद तो कभी विधानसभा में हंगामा। इस कविता को लेकर कई बार, इस बार भी ऐसा ही हुआ। तारीख थी 18, राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा था। सभी नेता बारी बारी से बोल रहे थे। फिर नंबर आया कांग्रेस के कट्टर नेता और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी का। हरीश चौधरी जैसे ही अपनी सीट पर खड़े हुए और ओम प्रकाश वाल्मीकि की ठाकुर वाली कविता पढ़ना शुरू किया, उतने में हंगामा शुरू हो गया। भाजपा के साथ साथ शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी इस कविता पर भड़क गए और कहा कि हरीश चौधरी विधानसभा में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही खत्म हुई तो चौधरी साहब का सामना मीडिया में हुआ। ठाकुर का कुआं पर उन्होंने अपनी सफाई दी। हरीश चौधरी ने कहा कि मैंने एक बात की है और लोग विरोध कर रहे हैं जो इस सोच के हैं। आइए सुनते हैं कि राजस्थान विधानसभा में हरीश चौधरी ने क्या कहा। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या, गांव, शहर, देश क्या है हम लोगों का। हरीश इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सामंतवाद के खिलाफ बोलने से हमें कोई रोक नहीं सकता। और यही लिखते हुए हरीश चौधरी ने कविता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। अगर इसे राजनीति के लहजे से समझे तो हरीश चौधरी और शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का आमना सामना पिछले लोकसभा चुनाव में ही हो गया था। 2024 के बाड़मेर में जहां कांग्रेस की कमान हरीश चौधरी के पास थी, तो वहीं रविंद्र भाटी बाड़मेर से निर्दलीय मैदान में थे। कांग्रेस के RLP से आए जाट नेता उम्मेदाराम को अपना उम्मीदवार बनाया। वो बाड़मेर से भाजपा में अपने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा, लेकिन मुकाबला सिर्फ शिव से विधायक रविंद्र भाटी और उम्मेदराम के बीच ही रहा। बाड़मेर में जब चुनाव परिणाम आया तो हरीश चौधरी का जाट फॉर्मूला हिट रहा और कांग्रेस के उम्मेदराम बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। उम्मेदराम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को करीब 1,28,000 वोटों से हराया। वहीं उम्मेदराम को करीबन 7 लाख वोट मिले तो वहीं भाटी के खाते में लगभग 5.5 लाख वोट आए। वहीं भाजपा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को 2,86,000 वोट मिले। दिलचस्प बात है कि लोकसभा से 3 महीने पहले ही हुए विधानसभा चुनाव में बाड़मेर लोकसभा की 8 में से सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, 5 पर BJP और 2 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। वर्तमान में BJP के प्रदेश इकाई में सर्वण नेताओं का दबदबा है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से है। इसी तरह डिप्टी CM दिया कुमारी राजपूत और प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी भी ब्राह्मण है। 54 साल के हरीश चौधरी विधायक और सांसद के अलावा कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं। वर्तमान में उनके पास संगठन में कोई बड़ा पद नहीं है। 2013 से चौधरी के राजस्थान में पद स्थापित होने की चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक उन्हें राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ा पद नहीं मिला है। 2018 से 2021 तक कुछ सालों के लिए मंत्री जरूर रहे, लेकिन फिर राजस्थान से बाहर भेज दिए गए। चौधरी जाट समुदाय से आते हैं और इसी समुदाय के गोविंद सिंह डोटासरा अभी प्रदेश अध्यक्ष है। चौधरी को सचिन पायलट खेमे का माना जाता है, राहुल से भी उनके नज़दीकी है। ऐसे में 2028 को लेकर चौधरी अभी से सियासी बिसात बिछा रखे हैं।